हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मार्बल स्लाइस केक। देखिए ये कितना सुंदर दिखता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सभी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे केक बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने में हम किसी मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे घरों में ये जो कटोरियाँ होती हैं, हम उसी से केक बनाएंगे। एक मेरे पास मीडियम साइज़ की कटोरी है, देखिए एक छोटे वाली कटोरी है। हम मीडियम साइज़ की कटोरी से ही केक बनाएंगे। इससे केक बनाना बहुत ही आसान है। पहली टिप आपके लिए ये है कि हम जो भी चीज़ें लेंगे उसको लेवल करके लेंगे, ऊपर तक भर कर नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। केक को हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं, तो कढ़ाई में देखिए नमक डाल दिया है और इस तरह का रैक रख दिया है। ऐसा रैक हम सभी के घरों में होता है, इससे केक जलेगा नहीं। गैस का फ्लेम लो कर दिया है और इसका ढक्कन लगा दिया है। अब हम यहाँ पर केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैं घी के साथ इसको ग्रीस कर रही हूँ, आप ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, और मैदा के साथ डस्टिंग कर लेंगे। केक टिन तैयार करके पहले से ही रख देंगे। अब बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रख देंगे और वही कटोरी से पाउडर शुगर डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाई थी। इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है, हम सभी नाप इसी कटोरी से लेंगे। चीनी में मोटे दाने बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, चीनी के मोटे दाने हम साइड में निकाल देंगे। अगर चीनी में मोटे दाने होंगे तो उन्हें घुलने में बहुत टाइम लगेगा। इसी कप से नाप कर हम एक कप दही डाल देंगे। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही इसके अंदर कोई स्मेल होनी चाहिए। अब हम हाफ कटोरी इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। एक ही कटोरी से सारा नाप किया गया है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट करना है, चीनी बिल्कुल घुल जानी चाहिए। देखिए मैंने 10 मिनट इसको इस तरह से मिक्स किया है और चीनी बिल्कुल घुल चुकी है। इसको साइड में रख देंगे। अब बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रख लिया है। अब हम इसमें 2 कप मैदा डाल देंगे और अच्छे से छान लेंगे। सभी चीज़ों को छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। देखिए एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा दूध मैंने इसके अंदर और ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इस तरह का बैटर ही बनाना है। अब बैटर को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। देखिए आधा बैटर हम इस बाउल में निकाल लेंगे और आधा इसी में रख लेंगे। एक बाउल में हम कोको पाउडर डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भरकर कोको पाउडर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर डालने से इसका चॉकलेट वाला बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको टिन में डालेंगे। सबसे पहले हम व्हाइट डालेंगे, उसके बाद चॉकलेट बैटर डालेंगे। इस तरह करते हुए हमें सारा बैटर डालना है। आप बैटर एक ही चम्मच से नाप कर डालें ताकि डिज़ाइन बहुत अच्छे से आए। दूसरी टिप ये है कि हमें चम्मच को नीचे तक लेकर नहीं जाना है। देखिए मैं ऊपर से ही बैटर को गिरा रही हूँ। इस तरह से सारा बैटर डाल लिया है। देखिए टिन बिल्कुल तैयार है। अब इसको 2-3 बार टैप कर देंगे। अब चम्मच से इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना देंगे। देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया है। अब हम इसको प्रीहीट की गई कढ़ाई के अंदर रखेंगे। तीसरी टिप ये है कि आपको उसका ढक्कन बार बार निकाल कर नहीं देखना है। 30 मिनट से पहले हम केक को नहीं चेक करेंगे, 30 मिनट के बाद ही चेक करेंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं केक बेक हुआ है या नहीं। देखिए अब टूथपिक से मैंने इसको चेक किया है, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है।
केक को बेक होने में पूरे 50 मिनट लगे हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए केक को बाहर निकाले हुए 1 घंटा हो गया है। अब नाइफ से इसके किनारों में चला देंगे। अब इसके ऊपर ट्रे रख के इसको उल्टा कर देंगे और केक को डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है केक। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। हमारा केक टिन बिल्कुल क्लीन निकला है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए केक के पीसेस को मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर इफ़ेक्ट आया है और बहुत ही अच्छी जाली बनी है। केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। सभी पीसेस को मैंने कट कर लिया है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।